हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल है तो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी तो जो हमारे फ़ोन में जो वाइब्रेट डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल है तो उसको आप सेट कैसे करेंगे। सिंपल फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल। तो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को सेट सर्च कर लिया तो यहाँ पर सेटिंग शो हो जाएगी जहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मीडिया वॉल्यूम है तो मीडिया वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो जो इसकी वॉल्यूम है इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं बटन्स पे। इस तरीके पर क्लिक करते हैं जैसे रिंग वॉल्यूम को भी आप सेट कर पाएंगे, यहाँ से रिंग वॉल्यूम को भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता था फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे, सेटिंग्स को भी ओपन कर लेंगे। फिर आपको क्लिक कर देना होगा साउंड सेटिंग्स पे। साउंड सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं रिंग मीडिया वॉल्यूम पे या फिर आप रिंग वॉल्यूम पे सेट करके अपना जो वॉल्यूम बटन के कंट्रोल होते हैं उसको सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।